हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ एक हाउल, और ये मीशो हाउल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, और मीशो से मेरा फर्स्ट टाइम शॉपिंग है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये सब मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। और इससे पहले मैं अमेज़ॉन और अदर साइट्स हैं उस पर से मैंने शॉपिंग की है, पर यहाँ से मीशो से शॉपिंग जो है मैंने फर्स्ट टाइम की, और मेरा कैसा रहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को एक कुर्ता सेट। आप लोग ये देखिए, ये मीडियम साइज़ में है और ये येलो कलर में है। इसका फैब्रिक रियन है और काफ़ी सॉफ्ट है, और सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये फ्रंट में थ्रेड वर्क किया गया है जो काफ़ी सुंदर है, और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए आप, पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है, और ये काफ़ी सॉफ्ट है। कलर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही प्यारा कुर्ता है। इसे मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे आइडिया नहीं था ये कलर कैसा दिखेगा, बट आने के बाद मुझे ये बहुत सुंदर लगा, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये बहुत ही सुंदर कुर्ता है। और इसके साथ में आया है ये प्लाजो, ये दो प्रिंटेड प्लाजो है, देखिए आप लोग, ये प्लेन है और फ्लोरल प्रिंट है इसमें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट कुर्ता, वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए। और ये फ्रॉक स्टाइल जो है कुर्ता है, काफी सुंदर इसका कलर है, और इसकी नेक में भी आप लोग को दिख रहा होगा थ्रेड वर्क किया गया है, देखिए काफ़ी सुंदर है ये। और मैंने ये वॉश भी कर लिए हैं, कोविड की वजह से कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो हम लोग उसको टच करने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, तो मैंने ये जो भी आपको मैं दिखा रही हूँ क्लोथ, वो मैंने सारे धुल लिए हैं, और बिल्कुल भी कलर इसमें बाहर नहीं निकला है, और ये एक अच्छी बात है इसकी, वरना इतने डार्क कलर निकलते ही निकलते हैं, बट बहुत अच्छा रहा है इसका जो कलर था बिल्कुल सेम वही है। और 3-4 इसकी स्लीव्स हैं, बाकी ये इस तरह से। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसकी लेंथ, कुछ इस तरह से है, और टीनेजर गर्ल्स इसे ऐसा फ्रॉक यूज़ कर सकती हैं, बट वुमेंस या तो लेगिंग, इसको लेगिंग के साथ वेयर कर लें, या फिर प्लाजो काफ़ी अच्छा लगेगा, वो चॉइस आपकी है, आप किस तरह से वेयर करना चाहती हैं। बट ये कुर्ता बहुत ही सुंदर है, और आने के बाद ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका फैब्रिक जो है वो भी रियन है, और काफ़ी सॉफ्ट है ये अपने आप में, बिल्कुल आपको इचिंग फील नहीं कराएगा। मैंने इस कुर्ता सेट के साथ पहनने के लिए जो मंगवाया है वो है एक प्लाजो, जो इसके साथ में नहीं है, बट मैं जब प्लाजो सर्च कर रही थी तो मुझे ये प्लाजो बहुत सुंदर लगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें ये नीचे की तरफ आपको लग रहा होगा ये एम्ब्रॉयडरी है, बट ये प्रिंटिंग है, और ये बहुत ही सुंदर है, और ये भी मैंने धुल लिया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ये बहुत ही फिर से अगेन ये रियन फैब्रिक है, और ये हल्का सा क्रीमिश लुक में है, और इसके साथ ये है जो फ्लोरल प्रिंट इसमें किया गया है, ये एक्चुअली प्लास्टिक पेंट है, और ये जो इसको काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, और मेरे इस कुर्ते सेट के साथ ये बहुत ही अच्छा मैच कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो किड वियर, जो मैंने 11-12 ईयर ओल्ड जो गर्ल है उसके लिए मंगवाया, और ये किसी भी साइज़ में अवेलेबल है, और वो किस तरह से देता है, ये है टॉप, और इसके साथ में है ये पजामा, इसका ये टॉप और पजामा सेट है, और इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 300 के आसपास है, और ये काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली एक नाइट सूट है जो नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे, और अगर वो डेली रूटीन में इसे पहनना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैब्रिक हॉजरी है और कॉटनी टच में है, ये तो काफ़ी अच्छा है, और गर्मियों के लिए काफ़ी बेटर है। तो ये तो थे कुछ कुर्ता और प्लाजो एंड कुर्ता सेट और किड वियर जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, और एक्चुअली एक सूट मैंने और भी ऑर्डर किया था और इसी ऑर्डर के साथ में, वो येलो सूट था और उसके साथ में बनारसी दुपट्टा था, बट वो मैंने पहले किसी और साइट पे चेक किया था, लेकिन जब मैंने मीशो पे सर्च किया तो मुझे सेम थिंग जो है यहाँ पर भी मिल गई, और कॉस्ट जो
अदर साइड पे थी उससे इसमें कम कॉस्ट, ये सप्लायर कम रेंज में दे रहा था, नियर अबाउट 500 के आसपास था, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। और डिस्क्रिप्शन में भी इन लोगों ने कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया था, मुझे लगा सेम सूट है तो सेम होगा, बट जब ऑर्डर आया घर पे और मैंने उसे खोल के देखा तो वो वैसा नहीं था जैसा मैंने पिक में देख रहा था, बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा था। दुपट्टा जो था वो बनारसी ना होकर वो उसमें प्लास्टिक पेंट जो होता है उस तरह से प्रिंटिंग की गई थी, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा बनारसी दुपट्टे का लुक था। लेकिन देखने के बाद मुझे थोड़ा सा निराशा हुई कि जो चीज़ मैंने सर्च की थी और वो मेरे पास नहीं आई, तो शायद ये जो रेंज का मैटर था उसकी वजह से ऐसा रहा होगा। बट इन लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारी बातें मेंशन कर देनी चाहिए कि इसके साथ में दुपट्टा कैसा है। सूट बिल्कुल सेम वैसा ही था पर दुपट्टा नहीं था बनारसी। और जब मैं जिस साइट पे चेक की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उस साइट पे सारा कुछ मेंशन था। और ये सब होने के बाद में, इस ऑर्डर आने के बाद मैंने वो साइट वापस चेक करी और देखा तो वहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन थी। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि जब भी आप कोई चीज़ आप अदर साइट पे चेक करते हैं तो आप पूरा उसको पढ़ें, और जब जिस चीज़ जिस साइट पे आप ऑर्डर कर रहे हैं उस पे भी पूरा उसको पढ़ें, उसके पढ़ने के बाद ही आप उसे ऑर्डर करें, तभी आपको सेम चीज़ मिल पाएगी। अदरवाइज़ मेरे जैसे मिस्टेक हो जाएगी, मुझे लगा सेम चीज़ है बट नहीं थी। बट हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि मीशो से जो मैंने बाकी चीज़ें मंगाई हैं वो एकदम जैसा मैंने सोच के उसको ऑर्डर किया बिल्कुल सेम वैसा ही निकला है, और काफ़ी अच्छा उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और इन लोगों की मीशो में जो रिटर्न पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है। जब मैंने वो सूट रिटर्न के लिए ऑप्शन क्लिक किया तो विद इन 24 आवर में मेरे पास से वो सूट चला गया, और मुझे लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मेरा रिफंड वापस आ गया। तो रिटर्न पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात मैं कहूँगी। और जो भी वर्क मुझे देख रहे हैं तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। उसमें रिटर्न पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछते हैं, बस आपको उन्हें अपना जो आया हुआ ऑर्डर है वो वापस देना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और इसमें से जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा हो या जो भी क्लोथ आपको पसंद है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और ये आज का वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।